नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम HTML टैग्स को रिवाइज करेंगे। जितने भी हमने अभी तक HTML टैग्स देखे हैं, समझे हैं, पढ़े हैं, उनको आज की क्लास में रिवाइज करेंगे। उनका क्या यूज़ है और उनसे हम किस तरह से अपने वेब पेज को, अपनी वेबसाइट को, उसमें जो कंटेंट है उसको कैसे बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो HTML टैग्स हम सारे रिवाइज करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, बेसिक जो टैग्स हैं, हम कोई भी आपको सिंपल जो कोड है आपका HTML का कोड, आप एडिटर ओपन करेंगे, टेक्स्ट एडिटर हो सकता है, कोई भी एडिटर हो सकता है, जैसे कि नोटपैड आप ओपन करके उसमें अपनी कोडिंग करते हैं। और जो बेसिक फाइल का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से चलता है कि सबसे ऊपर हमारा HTML टैग होता है, उसके अंदर सारा कंटेंट आता है, और सबसे आखिरी में HTML टैग ही क्लोज होता है, राइट? तो जैसे ही आप एडिटर ओपन करेंगे, सबसे पहला जो कोड आपको लिखना है वो है ये। इसके बाद ही आपका काम शुरू होगा। HTML में हम टैग्स के अंदर काम करते हैं। टैग्स कैसे लिखे जाते हैं? इस तरह से एंगुलर ब्रेसेस जो ये होते हैं, इनके अंदर हमारे HTML एलिमेंट का नाम आता है। क्या आता है इसके अंदर? HTML एलिमेंट का नाम। जो भी HTML एलिमेंट आप काम में ले रहे हैं उसका नाम आप ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा पूरा कहलाता है, इसको हम बोलते हैं टैग। ये हमारी टैग की ओपनिंग कहलाती है। ये क्या है? हमारी टैग की ओपनिंग। ये जो टैग्स होते हैं ये पेयर्ड होते हैं, इनकी आप ओपनिंग देते हैं, और इनका काम, जिस पर्पस के लिए आपने टैग काम में लिया है, जब वो पर्पस पूरा हो जाता है हम टैग्स को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ आपने जो भी HTML एलिमेंट लिया है, जो भी टैग आपने ओपन किया है, उसकी जो क्लोजिंग है वो इस तरह से दी जाती है। HTML एलिमेंट का नाम आएगा और एंगुलर ब्रेसेस में स्लैश लगा के इस तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर भी आपके इस जगह पर HTML एलिमेंट का नाम आएगा। तो ये तो आपकी कहलाती है ओपनिंग, और ये जो है ये कहलाती है क्लोजिंग उस टैग की। जब हम कोई टैग ओपन करते हैं उसका पर्पस पूरा हो गया, टैग को क्लोज कर देंगे। लेकिन ये टैग ओपन किया है, ये टैग यहाँ पर क्लोज किया है, इसके बीच में जो भी कोई कोडिंग करी है, और अगर कोई टैग्स नए ओपन किए हैं तो वो टैग्स पहले क्लोज हो जाएंगे। समझ रहे हैं? एक टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में आपने जो भी टैग्स ओपन किए हैं उनको क्लोज करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका कोड अलग तरह से आउटपुट देगा, कुछ अलग आउटपुट मिलेगा, आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है। तो आपको टैग्स की ओपनिंग और क्लोजिंग पर ध्यान देना है। जैसे हमने ये एक टैग यहाँ ओपन किया, यहाँ उसको क्लोज किया, इसके बीच में जो भी कोई कंटेंट आ रहा है, अगर उसमें कोई टैग का इस्तेमाल हुआ है तो वो टैग क्लोज होना चाहिए। अगर वो पेयर्ड टैग है, दो तरह के टैग्स होते हैं, पेयर्ड अनपेयर्ड। पेयर्ड जिसमें टैग्स की ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी होगी, और जिस वो टैग्स जिसमें कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें क्लोजिंग देने की ज़रूरत नहीं है, वो अनपेयर्ड कहलाते हैं। लेकिन 90% हमारे टैग्स जो हैं वो पेयर्ड हैं, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों आती हैं, राइट? तो हमारा कोड स्टार्ट होता है HTML एलिमेंट से। ये कंप्लीट टैग हो गया हमारा, इसको हमने ओपन कर लिया HTML टैग को। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हमारा पूरा कोड चलेगा कि हमें अपने वेब ब्राउजर में क्या बताना है, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं उस ब्राउजर में। आपको पता है HTML जो पेज हम बनाते हैं, वेब पेज, इसको हम HTML कोड से बनाते हैं, तो HTML में ही हमारी फाइल सेव होती है। जो हम फाइल यहाँ सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .html, तो HTML से सेव होती है, HTML फाइल कहलाती है। अब इस फाइल का जो आउटपुट है वो आप कहाँ देखेंगे? ब्राउजर पे। वेब ब्राउजर एक वह एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने HTML पेज को रन करा के देख सकते हैं, राइट? उसका जो भी कुछ आउटपुट है वहाँ आपको मिलता है। अब
उस पेज को, उस पेज से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो आप एक अलग पोर्शन में रखते हैं, उस पेज से संबंधित जानकारी, और उस पेज पर क्या दिखाना है वो एक अलग जगह रहता है। तो HTML टैग के अंदर इसकी ओपनिंग और आखिरी में, सबसे आखिरी में क्लोजिंग दी जाती है इसकी। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में दो चीजें आती हैं, एक तो पेज की इंफॉर्मेशन और एक पेज का कंटेंट, राइट। तो यहां पर हम, हमारे दो सेक्शंस आएंगे, एक है पेज इंफॉर्मेशन और एक हमारा रहेगा पेज कंटेंट। HTML टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हम दो चीजें देंगे, एक तो देंगे पेज से संबंधित इंफॉर्मेशन, पेज क्या है, कैसे है, क्या क्या है इस पेज में, वो सारी चीजें, और पेज पर क्या दिखाना है, जो यूजर होगा, जो हमारी वेबसाइट खोलेगा, उसको क्या दिखे, वो है पेज कंटेंट। यानी ब्राउजर पर जो भी कुछ डिस्प्ले होगा, वो जो भी आपने पेज कंटेंट दिया है वो होगा। पेज की इंफॉर्मेशन के लिए हम हेड एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं और पेज के कंटेंट के लिए बॉडी एलिमेंट इस्तेमाल होता है। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन देनी है पेज से संबंधित, वो हेड पोर्शन में आती है, और पेज पर जो भी कुछ दिखाना है, जो कंटेंट देना है, वो सब बॉडी एलिमेंट में आता है। बॉडी टैग के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हम वो चीजें देंगे जो हम अपने ब्राउजर पर दिखाना चाहते हैं, राइट। ये चीज समझ में आती है? तो कैसे देना है हेड, कैसे देना है बॉडी, उसको देखें। यहां पर हम हेड टैग ओपन करेंगे और इसके अंदर, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हम पेज की जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो काम करेंगे। जैसे पेज का टाइटल, तो इसके लिए हम टाइटल टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी टाइटल आपको देना है वो आप देंगे, और फिर टाइटल टैग की क्लोजिंग देंगे। तो ये आपकी एक पेज की इंफॉर्मेशन हो गई कि पेज का टाइटल क्या है। ऐसे ही और विभिन्न प्रकार की जो पेज इंफॉर्मेशन है वो दी जाती है। हेड पूरा हो गया, उसके बाद बॉडी टैग ओपन करेंगे। यहां पर हम जो भी कुछ टाइप करेंगे वो हमारे ब्राउजर के पेज में दिखाई देगा, जो भी कुछ हम टाइप करेंगे। जब हमारा पूरा कंटेंट आ जाएगा, हम बॉडी टैग की क्लोजिंग दे देंगे। तो ये बॉडी टैग यहाँ क्लोज हो रहा है, ये हेड टैग यहाँ क्लोज हो रहा है, टाइटल टैग भी हमने प्रॉपर क्लोज कर दिया है। ये इस तरह से हायरार्की चलती है, HTML की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में पेज की इन्फो और पेज का कंटेंट। यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है पेज से संबंधित इंफॉर्मेशन, पेज से संबंधित इंफॉर्मेशन जो है वो हेड में आ रहा है, और बॉडी टैग के अंदर, बॉडी एलिमेंट के अंदर हम देते हैं उसका पेज का कंटेंट, कंटेंट जो कि हम दर्शाना चाहते हैं ब्राउजर पर, राइट। तो ये एक HTML फाइल का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आपको ध्यान में रखना है और इसके अनुसार ही आपको काम करना है। ये हमारी एक नॉर्मल कोई भी HTML फाइल होगी, उसका ये स्ट्रक्चर होगा ही होगा, इस तरह से चलेगा। अब आपको जो भी कुछ कंटेंट देना है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन अब उसमें कुछ आपको अफेक्ट्स डालने हैं, उसको बताना है कि ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, या ये एक लिस्ट है,
तो उसके लिए आपको अलग अलग HTML एलिमेंट्स काम में लेने होते हैं। अलग अलग HTML एलिमेंट्स के माध्यम से आप अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग, अलग अलग तरह के स्टाइल्स, अलग अलग चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे आपको कोई सूची दिखानी है, आपको कोई लाइन चाहिए, आपको यहाँ पर कुछ और दिखाना है, आपको कोई इमेज दिखानी है, टेबल दिखानी है, तो सब के लिए अलग अलग HTML एलिमेंट्स हैं जिनको हम इस बॉडी टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में लिखते हैं, और वो सब फिर हमारे ब्राउजर की विंडो पर जो उसका पेज कंटेंट है वो सब दिखाई देता है ब्राउजर पर, राइट, जब हम पेज को रन करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपके क्लियर है, ये HTML फाइल का बेसिक स्ट्रक्चर है। जो भी कुछ आप यहाँ बॉडी टैग की ओपनिंग क्लोजिंग में लिखेंगे वो ब्राउजर के आपको कंटेंट के रूप में दिखाई देगा। अब जैसे मान लीजिए आप कोई हेडिंग लिख रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, मान लीजिए आप उसको बड़े बड़े अक्षरों में दिखाना चाहते हैं, आप वो कैसे करेंगे, मान लीजिए आपका जो कंटेंट है वो आप टेबल के रूप में दिखाना चाहते हैं, सेल रो और कॉलम में विभाजित करके दिखाना चाहते हैं, तो टेबल कैसे बनाएंगे। तो अब उनके लिए आपको अलग अलग HTML एलिमेंट्स को पढ़ना होगा, और वो सारे HTML एलिमेंट्स कहाँ काम आएंगे, बॉडी टैग के अंदर यहाँ दिए जाएंगे, राइट, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ शो होंगी, हमारे पेज के कंटेंट जो ब्राउजर है उसके पेज पर शो होंगी, दिखाई देंगी, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, उन टैग्स को समझते हैं जो कि अलग अलग पर्पसेस के लिए काम में लिए जाते हैं। हेडिंग टैग्स, H1 टैग, H1 की क्लोजिंग, H2 टैग, H2 टैग की क्लोजिंग, और इस तरह से H3, H4, H5, H6, ये सब हेडिंग टैग्स हैं, हेडिंग एलिमेंट्स हैं। आपको अगर हेडिंग देनी है, कोई हेडिंग दिखानी है, हेडिंग कैसी होती है, जो बड़े बड़े शब्दों में आती है, बोल्ड होती है, तो ऐसे ही H1, H2, H3, H4, H5 और H6 का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सभी पेयर टैग्स हैं, और आपको जो भी हेडिंग देनी है वो ख़त्म होने के बाद आपको हेडिंग टैग की क्लोजिंग देनी ही होगी, और H1, H2 की तरह ही आप H3, H4, H5, H6 यूज कर सकते हैं। H1 से H6 तक नीचे अगर जाएंगे तो बोल्डनेस जो है, आपका जो हेडिंग है उसका साइज वो कम होता जाएगा। H1 अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो टेक्स्ट का साइज भी बड़ा आएगा, बोल्डनेस भी ज़्यादा आएगी, और H6 पर जाते जाते ये बोल्डनेस और साइज जो है वो छोटा होता जाएगा, राइट। तो ये हेडिंग्स देने के लिए हैं। इसके अलावा अगर आप कोई आर्टिकल्स लिख रहे हैं, आप पैराग्राफ क्रिएट कर रहे हैं, तो P टैग का इस्तेमाल करते हैं पैराग्राफ्स के लिए। जब पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है हम स्लैश लगा के P टैग क्लोज कर देते हैं, यानी कि पैराग्राफ हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया, राइट। तो हेडिंग्स और पैराग्राफ्स, हेडिंग्स देखने के लिए H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये 6 हेडिंग एलिमेंट्स हैं जिनको आप काम में ले सकते हैं। और पैराग्राफ बनाना है तो P टैग आप काम में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई लिस्ट बन जाए, तो उसके लिए आप दो तरह के टैग्स हैं, एक है OL टैग और एक है UL टैग। अगर हमें ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो हम OL टैग काम में लेते हैं, और अगर हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, यानी कि बुलेटेड वाली अनऑर्डर्ड जिसमें नंबरिंग मैटर नहीं करती, तो हम UL टैग काम में लेते हैं। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, UL stands for unordered list।
इनसे हम सूची बनानी है हमें, मान लीजिए हमें अपने वेब पेज पे 1 2 3 4 करके कुछ सूची दिखानी है, तो हम ओएल काम में लेंगे। अगर हमें ऐसे बुलेट्स के माध्यम से, कोई पिक्चर के माध्यम से ऐसे डॉट्स लगा के कुछ दिखाना है, कंटेंट कोई सूची दिखानी है, तो यूएल काम में लेंगे। इनको काम में लेने का तरीका ये है कि एक बार ये टैग्स जब ओपन हो जाते हैं, उसके बाद जो भी इनका आइटम है, जैसे कि आपने डॉट लगाई और यहाँ पे कुछ दिया, फिर डॉट लगाई फिर कुछ दिया, या फिर आपने वन और लिस्ट आइटम, तो ये जो होते हैं इनको बोलते हैं हम लिस्ट आइटम। ये जो आ रहे हैं इस तरह से, या मान लीजिए इस तरह का निशान आप दे रहे हैं कुछ, तो ये बुलेट्स कहलाती हैं, और इन बुलेट्स के साथ आप जो टैग्स देते हैं वो लिस्ट आइटम है बेसिकली। तो कैसे देंगे, ओएल के अंदर हम लिखेंगे एल आई, और फिर यहां पर आपको जो भी कुछ लिखना है, एल आई की क्लोजिंग, इसी तरह से ये एल आई चलता जाएगा। जो भी आपको लिस्ट आइटम देने हैं वो आप दे सकते हैं। जब आपके सारे लिस्ट आइटम पूरे हो जाएंगे, आप इस लिस्ट को बंद कर देंगे। ये लिस्ट पूरी हो गई, हम स्लैश लगा के इस लिस्ट को कंप्लीट कर देंगे। ठीक ऐसे ही हम यूएल के साथ करते हैं, तो ओएल भी काम में ले सकते हैं, यूएल भी काम में ले सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट से 1 2 3 4 एबीसीडी रोमन नंबर के 1 2 3 4 वाली लिस्टें बनेंगी, और यूएल लेंगे तो बुलेट्स वाली आपकी लिस्ट तैयार होगी, राइट? तो ये तरीका है लिस्ट क्रिएट करने का। तो इसके लिए टैग्स जो हैं वो ओएल, अगर ऑर्डर लिस्ट बनानी है, अनऑर्डर लिस्ट बनानी है तो यूएल, और इन दोनों के अंदर ही हम एल आई टैग का, एल आई एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं लिस्ट आइटम के लिए। अब ये जो ओएल यूएल है इनकी आप मिक्सिंग कर सकते हैं कि ओएल के अंदर यूएल, जैसे एक लिस्ट बन रही है फिर उसको दूसरे लेवल तक बनाना है, फिर तीसरे लेवल बनाना है, तो ओएल यूएल को मिक्स करके भी काम में ले सकते हैं। तो जब भी लिस्ट बनाना है, ओएल यूएल जो टैग्स हैं उनको आप काम में ले सकते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक से आने के बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
चलिए बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो HTML टैग्स को हम रिवाइज कर रहे हैं। हमने देखा कि HTML जो बेसिक फाइल स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, और बॉडी टैग के अंदर हम अलग अलग HTML एलिमेंट्स का काम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंटेंट को अलग अलग तरह से प्रेजेंट करने के लिए। हम कभी भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो एक वेबसाइट जो है उसमें अलग अलग पेजेस होते हैं, तो इन सब पेजेस को हम लिंक्स के माध्यम से लिंक्स क्रिएट करते हैं हम, और इस तरह से ये जो वेब पेजेस हैं ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। एक पेज से हम दूसरे पेज पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से वापस पहले पे, कहीं पर भी हम जा सकते हैं पूरी वेबसाइट में। तो ये लिंक्स होते हैं, अलग अलग तरह से लिंक्स को, जैसे मेन पेज पर एक बटन के रूप में, बटन्स के रूप में हम दिखा दें, या कोई लिस्ट के रूप में हम दिखा दें। कई बार ये जो लिस्ट हमने अभी बनाना सीखा, ये लिस्ट एक क्रिएट करी जाती है, इस लिस्ट की प्रॉपर्टी सेट कर दी जाती है कि ये हॉरिजॉन्टल उसमें दिखाई दे, इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर दें, तो ये लिस्ट आइटम्स भी आपको बटन की जैसे दिखेंगे, और इन पे आप लिंक्स डाल सकते हैं, लिंक्स डाल देंगे अलग अलग पेज के। तो इस तरह से शुरुआत का जो पेज है आपका, इंडेक्स पेज या होम पेज, तो उस पर आप लिंक्स दिखा सकते हैं अलग अलग, और अपनी जो वेबसाइट है सभी में आप अगर ये बटन्स देंगे, लिंक्स देंगे, तो एक पेज से दूसरे पेज पर जाया जा सकता है, आपकी पूरी वेबसाइट को जो भी यूजर है वो देख सकता है, राइट? तो लिस्ट का अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। लिस्ट दिखानी है कंटेंट में वो तो है ही, इसके अलावा आपको जैसे लिंक्स दिखाने, अलग अलग आपको बताना है कि इस पे क्लिक करके आप ये देख सकते हैं, इस पे क्लिक करके ये देख सकते हैं, तो वो सारे आप एक लिस्ट, वो भी लिस्ट सी है, ये लिस्ट इसी तरह से डिस्प्ले हो जरूरी नहीं है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैसे आप डिस्प्ले करना चाहते हैं आप डिसाइड कर सकते हैं। इसकी आपने स्टाइल टैग पढ़ा है, स्टाइल टैग के अंदर आप बता सकते हैं कि जो लिस्ट है वो कैसे डिस्प्ले होगी, राइट? उसके बैकग्राउंड में कौन सा कलर आएगा, तो ये सब चीजें करके आप बहुत अच्छे से बटन्स के रूप में अपने आइटम्स को, लिस्ट आइटम्स को दिखा सकते हैं, उन पर लिंक्स दे सकते हैं, राइट? लिंक्स कैसे देते हैं, एंकर टैग उसके लिए इस्तेमाल करा जाता है। एंकर टैग के माध्यम से हम एक टेक्स्ट को एक अन्य वेब पेज से लिंक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एंकर टैग हम इस्तेमाल करते हैं, और हम क्या चाहते हैं कि टेक्स्ट दिखाई दे रहा है मान लीजिए, या कोई इमेज दिखाई दे रही है, उस पर जब क्लिक किया जाए तो दूसरे वेब पेज पर हम पहुंच जाएं। तो अगर आपको लिंक्स क्रिएट करने हैं तो एंकर टैग काम में लेते हैं, ए टैग। अब क्लिक करने पे कौन से पेज पे पहुंच जाएं वो हम देते हैं HREF के अंदर। HREF इक्वल्स टू डबल कोट्स में हम वो पाथ अपनी उस वेब पेज का नाम लिखते हैं जिस पर पहुंचना है। फिर जिस भी टेक्स्ट को या इमेज को हमें लिंक करना है, मान लीजिए इमेज पे क्लिक करके हम वेब पेज पर पहुंचना चाहते हैं, तो हम इमेज टैग काम में लेंगे, IMG, इमेज SRC इक्वल्स टू सोर्स के अंदर यहां पर आपका पूरा पाथ और फाइल का नाम आ जाएगा, जो इमेज दिखानी है वो कहाँ है वो चीज आप देंगे। अगर ये जो कोड है और इमेज एक ही फोल्डर में है, तो आप यहाँ पे केवल फोल्डर का, फाइल का नाम, जो भी इमेज है, जैसे मान लीजिए कोई फ्लावर्स की इमेज है तो flower.jpg या flower.bmp, जो भी आपकी फाइल है आप चेक कर लीजिए फोल्डर में जाकर कि भाई फाइल का नाम क्या है, फाइल किस जगह पर है, उसके अकॉर्डिंग आप दे दीजिए। तो एंकर टैग में आपने क्या दिया, टेक्स्ट नहीं दिया, इमेज दी है, तो इमेज पर लिंक बन जाएगा, इमेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो भी पेज दिया है उस पर पहुंच जाएंगे। और अब लास्ट में हम एंकर टैग क्लोजिंग, ये एंकर टैग हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अगर हम इमेज नहीं डाल रहे होते तो सिंपल हम कोई टेक्स्ट भी लिख सकते थे, वो टेक्स्ट पर लिंक क्रिएट हो जाता। तो इस तरह से ये एंकर टैग जो है ये लिंक्स क्रिएट करने के काम में आता है। एंकर टैग के अंदर हम HREF देते हैं, और यहाँ जो भी पाथ है, आपको पाथ भी मैंने पढ़ाए थे कि एक तो होता है एब्सोल्यूट पाथ और एक होता है रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ तो क्या होता है कि ड्राइव से लेकर पूरा एंड तक जो पाथ है वो बताना होता है, सी ड्राइव के अंदर स्टूडेंट फोल्डर स्लैश माई फोल्डर,
इस तरह से फिर फाइल का नाम। और अगर आपकी फाइल वही है जहां पर आपकी ये काम चल रहा है, आप केवल फाइल का नाम दे सकते हैं, फाइल नेम डॉट html या जो भी आपकी फाइल है। इसी तरह से इमेज में है, इमेज कौन सी इमेज दिखानी है, उस इमेज फाइल का नाम यहां आप देंगे src में। यहां पर src स्टैंड्स फॉर सोर्स, सोर्स फाइल जो है। इसी तरह से href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस ए स्टैंड्स फॉर एंकर, img स्टैंड्स फॉर इमेज, इमेज का सोर्स दे रहे हैं हम कि वो फाइल कहाँ एग्जिस्ट करती है, उस फाइल का नाम क्या है, एक्सटेंशन क्या है। इसी तरह से एंकर टैग में हम बताते हैं कि इस इमेज पे जब क्लिक किया जाएगा तो हमारी टारगेट फाइल कौन सी होगी, कौन सी फाइल दिखानी है, वो एंकर टैग के अंदर लिखा जाता है। इस तरह से लिंक्स क्रिएट करे जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इमेज नहीं लिख रहे, कोई टैग्स लिख रहे हैं, तो फिर हम ये चीज हटा देंगे। जैसे कि लिखा हुआ कहीं आपको दिखाई दे रहा है, क्लिक हेयर टू रीड मोर। इस पर जब आप माउस लेकर जाएंगे तो आपका माउस पॉइंटर जो है हैंड पॉइंटर में तब्दील हो जाएगा। इससे पता चल जाता है कि यहाँ पर एक लिंक है, क्लिक करने पर वो लिंक खुल जाएगा, जो भी आपने यहाँ पे फाइल दी है वो ओपन हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हमने टेक्स्ट पर लिंक बनाया है, क्लिक हेयर टू रीड मोर ये लिखा हुआ दिखाई देगा। क्लिक करने पर हमारा ये वाला वेब पेज जो हमने यहाँ नाम दिया है वो खुल जाएगा। तो इस तरह से लिंक्स क्रिएट करे जाते हैं। आप किसी भी चीज़ पर लिंक क्रिएट कर सकते हैं, मान लीजिए आप कोई लिस्ट बना रहे हैं जो UL वाली या OL वाली, अब उसमें जो आपके लिस्ट आइटम हैं आप उन पर भी लिंक्स दे सकते हैं, राइट? तो इस तरह से लिंक्स कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हैं आप, इमेज पर कर सकते हैं, टेक्स्ट पर कर सकते हैं, जहां भी आपको लिंकिंग करनी है वहां बस आपको ये एंकर टैग लगाना होगा, राइट? चाहे वो टेबल के अंदर हो, चाहे वो इमेज के साथ लिंकिंग करनी हो, या कोई पैराग्राफ के साथ लिंकिंग करनी हो, या सिंपल सा एक कुछ आ रहा है टेक्स्ट, एक वर्ड, उसके साथ भी लिंकिंग कर सकते हैं, राइट? तो इस तरह से ये लिंक्स क्रिएट करे जाते हैं, और जो कि HTML में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिंक्स के माध्यम से ही एक कंप्लीट वेबसाइट तैयार होती है। अलग अलग वेब पेजेस तो बन जाते हैं, उनको आपस में कैसे एक करें, लिंक्स के माध्यम से करा जाता है, राइट? अब हम सीखते हैं कि किस तरह से टेबल हम बनाते हैं, कौन कौन से टैग्स टेबल के लिए काम में लिए थे हमने। याद है आपको, टेबल आपने प्रैक्टिस करी होगी, आपने बनाई होगी HTML पेज में। टेबल बनाने के लिए हम टेबल टैग का ही इस्तेमाल करते हैं। टेबल के लिए अगर आपको HTML में टेबल्स क्रिएट करनी है, टेबल क्या होती है भाई, रो और कॉलम, राइट? तो इसमें जो टैग्स हैं, एक तो टेबल टैग है, एक अगर हमें टेबल की रो बनानी है तो उसके लिए tr टैग है, टेबल की हेडिंग देने के लिए th टैग है, टेबल का डेटा देने के लिए td टैग है, और ये सारे ही पेयर टैग्स हैं। मतलब इन सब की आपको ओपनिंग और क्लोजिंग देनी होगी। tr स्टैंड्स फॉर टेबल रो, टेबल हेडिंग, जो पहली रो होती है उसमें हम हेडिंग दिखाते हैं, तो TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग। डेटा देना है TD, राइट? एक एग्जांपल लेके देखते हैं, एक टेबल बनाते हैं। तो ये टेबल हमने ओपन करी, अब सबसे पहले टेबल की रो आ गई, टेबल की हेडिंग दे रहे हैं, हमने लिखा रोल नंबर,
टेबल की ये हेडिंग बंद हो गई, दूसरी हेडिंग देनी है। हमने लिखा स्टूडेंट नेम, ये भी हमने टेबल हेडिंग बंद कर दी। अब ये रो खत्म हो गई इसलिए टी आर क्लोज कर दिया। ये देखिए टी आर यहां ओपन किया था, यहां क्लोज कर दिया, ये रो कंप्लीट हो गई। अब इसी तरह से चलेगा इस रो, इस टेबल में। अभी ये पहली रो बनी है, पहली रो में दो कॉलम्स हैं, तो अब आगे भी हमारी टेबल में इस तरह से चलेगा। हालांकि हम चाहें तो अलग रोज कॉलम्स मर्जिंग स्प्लिटिंग वो भी कर सकते हैं, राइट। ये रो कंप्लीट हो गई, दूसरी रो स्टार्ट करते हैं। टी आर दे दिया, अब की बार हमने हेडिंग नहीं देनी, टी डी दे दिया। टी डी दिया, रोल नंबर वन दे दिया, टी डी क्लोज कर दिया। इस तरह से ये चीज चलेगी, और लास्ट में टेबल टैग की भी हम क्लोजिंग दे देंगे, राइट। तो यहाँ पे टेबल में तीन ये बेसिक्स टैग्स हैं, टेबल, टी आर, टी एच, टी डी। टी आर के अंदर टी एच और टी डी दिए जाते हैं। अगर हमारी ये जो रो है, ये पहली रो है, और हम चाहते हैं कि इसके हेडिंग्स लिखी हुई आ जाएं हर एक कॉलम की, तो फिर हम टी एच लिखेंगे। लेकिन जो नीचे की रोज हैं उनमें कोई हेडिंग नहीं है, उनमें सिंपली डेटा है, तो उसके लिए हम लिखते हैं टी डी। टी एच लिखने से वो बोल्ड आएंगे, सेंटर अलाइन हो जाएंगे, वो सब चीज़ें प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाती हैं, राइट। तो टेबल्स के माध्यम से हम अपना डेटा जो है वो रो और कॉलम्स में विभाजित करके दिखा सकते हैं। और ये जो टैग्स हैं, टेबल, टी आर, टी एच, टी डी, इनको आपको काम में लेना है, और आप रोज और कॉलम्स में अपना जो डेटा है वो अरेंज कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी रिपोर्ट कार्ड्स आपको दिखानी है, किसी भी तरह का डेटा आपको डिस्प्ले करना है, तो वो आराम से टेबल्स के फॉर्मेट में आप स्टोर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, राइट। वेब पेज पर टेबल दिखाई देगी और उसमें आप जो भी डेटा दिखाई देंगे लिखेंगे वो दिखाई देगा। अब इस टेबल को आप बॉर्डर दे सकते हैं, अलग अलग तरह की स्टाइल्स हमने पढ़ी थी कि इन स्टाइल्स के माध्यम से हम टेबल का बॉर्डर दिखा रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर रो को अलग बैकग्राउंड कलर से दिखा रहे हैं, तो वो सारी स्टाइलिंग आप कर सकते हैं, राइट। एक सिंपल सी टेबल बनाने का तो यह तरीका है। ये चार पांच टैग्स हैं जो कि टेबल के लिए काम में लिए जाते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर भी अगर कभी हमें लिंकिंग करनी है हम कर सकते हैं। हमें टी एच में करना है किसी भी पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे कोई स्टूडेंट का नाम आ रहा है, हम चाहते हैं कि उस पर क्लिक करें तो स्टूडेंट की फोटो खुल जाए या स्टूडेंट की और डिटेल्स आ जाएं, तो वहाँ पे हम लिंक स्टैब्लिश कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो भी कुछ टैग्स लिख रहे हैं उससे पहले एंकर टैग लगा देंगे और लिंक स्टैब्लिश कर देंगे। तो इस तरह से पूरा ये चीज़ इंटरेक्टिव चलती है, एक टैग के अंदर दूसरे टैग, दूसरे के अंदर तीसरा, ये सब इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि भाई जो हमने टैग जो है सबसे लास्ट में हमने ओपन किया है, सबसे पहले आप उसको क्लोज करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे के जो टैग्स हैं वो बंद होंगे, राइट। एक टैग के अंदर दूसरा टैग, दूसरे के अंदर तीसरा, तो तीसरा पहले क्लोज हो जाएगा, फिर दूसरा बंद होगा, फिर पहला वाला बंद होगा, यानी कि जो सबसे पहले ओपन हुआ है वो सबसे आखिरी में क्लोज होगा, अंदर वाले टैग्स पहले क्लोज होंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, फिर किसी भी तरह का HTML कोड हम आसानी से लिख सकते हैं, राइट। आगे के जो टैग्स हैं उन्हें भी हमें जानना है। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे कोई अलग अलग हम सेक्शंस बना के लिखें, हम कोई फॉर्म क्रिएट कर दें जिसमें कि यूज़र डेटा एंट्री कर सके, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए भी हमने अलग अलग टैग्स पढ़े हुए हैं, उनको भी हम रिवाइज करेंगे ताकि उन पर आप अपनी पकड़ बना सकें। आपने प्रैक्टिस करी होगी इन टैग्स को, काम में लेकर देखा होगा, राइट। तो इमेज टैग हमने समझ लिया, लिंक टैग लिंकिंग करने के लिए जो बेसिक है वो एंकर टैग है, और टेबल टैग्स के माध्यम से हम टेबल्स क्रिएट करते हैं, रोज कॉलम्स ये सारी चीज़ें बनाते हैं, राइट। और कभी भी लिस्ट हमें क्रिएट करनी है तो यूएल ओएल ये जो टैग्स हैं उनको काम में लेते हैं। यूएल ओएल के अंदर LI टैग काम में लेते हैं ताकि हम जो लिस्ट आइटम है वो दे सकें। इस तरह से ये
टैक्स की हायरार्की चलती है। अब यहाँ पर भी जैसे टेबल है, आपको बॉर्डर देनी है, आप यहाँ पर बॉर्डर के लिए बॉर्डर जैसे प्रॉपर्टी कोई भी टैग होता है तो उसकी एट्रीब्यूट्स भी उसके अंदर आप जोड़ सकते हैं। जैसे बॉर्डर आपको देना है तो यहाँ पर आप या तो इस तरह से देंगे, या फिर इसका एक और अल्टरनेटिव है कि हम स्टाइल एट्रीब्यूट काम में लें। जैसे कि ये हमने इस पर्टिकुलर टैग, ये जो हमने लिया है टैब, ये टैग लगाया है, इसकी हम स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो हम स्टाइल एट्रीब्यूट काम में लेते हैं, स्टाइल। अब इस स्टाइल के अंदर हम डबल कोट्स के अंदर जितनी भी स्टाइल्स हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं कि भाई बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, आखिरी में डबल कोट्स के साथ इस तरह से इसकी क्लोजिंग कर दी जाती है, राइट। अब सेमी कॉलन से सेपरेटेड हम अलग अलग प्रॉपर्टीज देते हैं। जैसे हमने कहा बॉर्डर हमें देना है, सेल का कलर कैसा हो वो हमें देना है, टेबल का कोई बैकग्राउंड कलर हमें देना है, वो सारी चीज़ें हम स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर बता सकते हैं, राइट। तो बच्चों आज हमने कुछ टैग्स को रिवाइज किया, आगे की कक्षा में हम जो बाकी बचे हुए टैग्स हैं उनको भी रिवाइज करेंगे और एक बार हम CSS को दोबारा से रिवाइज करेंगे ताकि हम अपने जो भी हम डिस्प्ले कर रहे हैं उसकी स्टाइलिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, अच्छा दिखनी चाहिए वेबसाइट। तो इसके लिए स्टाइल्स जो हैं वो अलग अलग तरह से हम दे सकते हैं, उनको भी हम रिवाइज करेंगे। तो आज समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा में बस इतना ही, धन्यवाद।